एक रड नावे भट्टी महाराज शरण में आया है, उस दावत संप्रदाय लिखा कि नारद मुनि रड भट्ट का रूप धार के गुरु साहब जी ने इन ब्रह्मा जदों आया है, ब्रह्मा का पुत्र सी, इस प्रकार 16 जे भट्ट आए हैं तो 18वां उस वेले साध संगत जी नारद मुनि रड नावे भट्ट का नाम रखा के आया है, उन्हें भी गुरु साहब का जस उचारण किया, इं सारे सवैये साध संगत जी उचारण किए हैं। रड जिस है धारो धारत अर व्यो साध संगत जी रड नाम छंद का है, रड नाम भट्ट का है। नारद मुनि जिस वक्त ब्रह्मा जी चाह वेदा के समेत 17 रूप धार के आए हैं, उस वेले भट्ट का रूप धार के नारद मुनि भी गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते आया है, उस गुरु महाराज साहब ने जस उचारण किया है, रड छंद के अंदर उचारण करते हैं, रड भट्ट बन के नारद मुनि गुरु साहब के जस का उचारण करते हैं कि महाराज आओ स्वरूप हो। भट्टां दे नाम साध संगत जिहड़े ब्रह्मा ते वेद दे अवतार सन, जिहड़े इहनां दे कंठ ऐसे सी उह वेदां दे अवतार करके मन्निया गिआ सी, उहनां दे नाम इह हन, चेते करो ते इहदे विच वी टेप विच वी आ जाण। दोहरा पिखे बप ब्रह्मे धरयो, पिखे दा जन्म ब्रह्मा जी दा नाम पिखा होया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपहं गुरप्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार। साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जदों बाणी भगतां दी लिखा चुके उस वेले दा जिक्र है, इन्हां दे पूर्वले जन्म की गल है, ब्रह्मा जी ते वेद ब्रह्म लोक दे विच रह के मर्यादा दुनिया की स्थापन करते सन। वेदां दे जिहड़े ऋषि मुनि पाठी सी वह वेद नाम करके कहे जाते सन, अगन देवता प्रोगम देवता आदिक इन्हां देवतियां दे नाम हन। इन्हां नूं अपमान हो गया कि सारी दुनिया च मर्यादा असीं चलाउने आ, जे असीं मर्यादा ना चलाइए दुनिया जिहड़ी है मर्यादा तो उल्ट हो के नरकगामी हो गए। यह जदों अपमान हो गया, ब्रह्मा नूं भी अपमान हो गया कि मैं वेदां अनुसार सारी दुनिया नूं चलाउना हाँ। उस वेले हर जी हंकार ना भावी वेद कूक सुनावै, महाराज नूं हंकार किसे दा चंगा नहीं लगता, उसका नाम गर्भ प्रहारी है। उस वेले आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तू माण करदा है ते हे वेदो तुसी माण करदे हो, जाओ एक एक वेद का जिहड़ा हिस्सा है चार चार जन्म चार चार रूप धारो, तुसी इस प्रकार 16 तुसी चारे वेदां दे अवतार जिहड़े आ बनो, ते एक ब्रह्मा भिखा भी थोड़े नाल जावे, थोड़ी सरबगता सारी नाश हो जावे। फिर इन्होंने बेनती की, महाराज आपका वचन तो अमोघ है, असी माण किया तो सानू यह श्राप हो गया, असी बख्शे कदों जावे। इन्हों महाराज अंतरजामी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे ब्रह्मा तुसी बख्शे जाओगे जदों गुरु नानक साहब कलयुग दे विच होणगे, उन्हों का पंजवां स्वरूप गुरु अर्जन साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रचणगे, तुसी उन्हां दे दर्शन करके तुहानू पूर्वले जन्म का ज्ञान आ जाऊगा, फिर बख्शे जाओगे उदों जदों गुरु नानक साहब जी महिमा करोगे, तुसी तुहानू सरबगता हो जाएगी, फिर इसे पदवी ते आ के पहुँच जाओगे। ये बचन सुन के फिर महाराज साहब की कृपा ना ये साध संगत जी मात लोक विच आ गए, अनंत अनंत जन्म तारे। जदों बख्शन का समा होया उस वेले साध संगत जी इन्होंने ब्रह्मा ने भिखे का जन्म तारिया, भट्टां ने भट्टां दे वेस इन्होंने ब्राह्मणा की भट्ट संज्ञा जाति है, उस ब्राह्मण जाति कांसीपुरी दे विच सारे विद्वान कट्ठे होए, तो इन्हों जन्मां की बाबत भाई गुरदत्त सिंह जी ने
वक्खो वक्खे यूपी विच जन्म दसे कोई कितों दा कोई कितों दा पर उथानका विच तां इह सारे कांसी विच इकट्ठे सन विद्वान जन्म धारे सन ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब दी शरण विच आए हन। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह दे दर्शन करके मन शीतल हो गया, अमृतसर साहब च नहाते ते गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह दे अगे कहा कि महाराज सानू बख्श लो, असी आपकी शरण में आए हाँ। उस वे गुरु साहब ने कहा गुरु नानक देव अकाल पुरख का रूप है, तुसी गुरु नानक देव दे ताई अकाल पुरख का रूप करके वर्णन करो, थोड़ा श्राप सारा अंत हो जाएगा, बख्शे जाओ। ये कहन लगे महाराज सानू जाच नहीं। उस वेले श्री मुखवाक महाराज जी ने सवैये जेड़े ने भी उचारे है, नौ सवैया दस्या गुरु नानक साहब तो अकाल पुरख एक ही रूप है, गुर परमेसर एक है, सब में रहा समा है। तो ग्यारह विच महाराज जी ने इन्हों उपदेश दिता है, इन्हों का मोह छुड़ाया, हंकार छुड़ाया, फिर सरबगता आ गई। फिर भट्टा ने पहले पातशाह के सवैये महले दूजे के तीजे के चौथे के पंजे के ते पंजां सतगुरों की उसत साध संगत जी इन्होंने की है। वो भट्टा के नाव साध संगत जी जो ब्रह्मा के वेद के अवतार सन, जेडे इनके कंठ ऐसे से वह वेदा के अवतार करके मनिया गया सी। उन्होंने नाव ये हन चेते करो, ये भी टेप विच भी आ जान। दोहरा पिखे बाप ब्रह्मे धरयो, पिखे का जन्म ब्रह्मा जी का नाम पिखा होया, ये पिखे का रूप धारिया। उसने पिखे के शब्द आउणगे सवैये दो इसके ब्रह्मा दे, ब्रह्मा का नाम पिखा होया उस वेले। ये जदों गुरु साहब की शरण आउंदे हन, बुद्ध विद्या परवीन, बुद्धि ते विद्या च बड़ा चतुर सी ये ब्रह्मा, चतुर चतुर वेदन धरा, चार चार देहां वेदन धारण कीतियां, सुंदर बदन नवीन, सोहणे चेहरे सन, बड़े नवे रूप हन इन्हां दे, महाराज दी शरण आउणे हन इन्हां ने। चौपाई शाम वेद जालप देह धारी, शाम वेद अनुसार सी एक तो शाम वेद का जरा जालप पट बनिया देह धारना की शाम वेद दे हिस्से ने। बल हरबंस मथुरा ए चारी, तीजा बल होया ते चौथा हरबंस, ते पहला तो जालप ते दूजा बल, तीजा हरबंस ते चौथा मथुरा, ये चारे शाम वेद दे अवतार हन साध संगत जी। ये चारे भट्ट जेड़े हन, ऋग वेद सुंदर देह धारे, ऋग वेद दूसरे वेद सोहनिया ये देहां धारियां, कल कल सहार जलन नल नल चारे, एक दा कल भट्ट एक कल सहार ते एक जलन ते एक नल, ये चारे अपने ऋग वेद दे अवतार होए। कल सल जल पल काए, इस प्रकार सन जुजर वेद दे सन, एक टल एक सल एक जल एक जल पल काए, ये पल ये काया इन्होंने चौहान तारी, जुजर वेद बप चार बनाए, ये जुजर वेद दे चार शरीर धारण किते जुजर वेद दे पट्टा ने, कीरत गायंद दास सुठ गंगा, कीरत पट्ट एक दासा पट्ट एक गायंद गायंद पट्ट एक दास सुठ गंगा, एक दासा पट्ट एक गायंद ते एक गंगा, ये सुंदर रूप धारे। अथर्वण देह धारी शुभ रंगा, ये अथर्वण वेद ने सोहने रंगा वाली देह धारी है। ये साध संगत जी एक एक वेद के चार चार पट्ट हैं जिन्हां ने गुरु साहब के जस में उचारे है, ये सतारा हैं गे। साहब सिंह ने ग्यारह ही गिने सन, सतारा बाणी विच ही नाम इन्हां दे आउंदे हैं। जो कुछ गुरु साहब लिखे वो ठीक है।